तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। हमने आपको जो है ब्लॉग दिखाया था बेली रोड का कि रात को जो है पटना कैसा दिखता है, पटना जंक्शन कैसे दिखता है। लेकिन अभी हम खड़े हैं, देख लीजिए, पटना के मरीन ड्राइव पर, और ये गांधी मैदान के साइड से ये रास्ता आता है जो कि आपको सीधे दीघा तक लेकर के जाएगा। तो वहाँ तक का राइडिंग करने का आपको दिखाएंगे कि रात को जो है पटना का मरीन ड्राइव जो है कैसा दिखता है। और अगले वीडियो में हम कवर करेंगे आरा हावड़ा एक्सप्रेस का, जिसका भी हमने आपको पहले ही इसका हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो चलिए इसकी राइडिंग को स्टार्ट कर आपको दिखाते हैं कि किस तरह का जो है पटना का जो मरीन ड्राइव वो कैसा दिखता है। लेकिन आप देख सकते हैं पहले इन दीवारों पर पेंटिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी आप देखें पेंटिंग ही पेंटिंग आपको दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं पूरा इस तरफ से, और उसके दूसरे साइड में जो है पेंटिंग पूरा बना दिया गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त अभी ये बन चुका है पटना का मरीन ड्राइव, और राइडिंग करके आप दिखाएंगे। और राइड करेंगे हमारे प्रशांत भैया, और हमारा ये पल्सर गाड़ी है, इसी से राइडिंग करके आपको दिखाएंगे कि पटना का मरीन ड्राइव जो है वो कैसा दिखता है। तो चलिए राइडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गांधी मैदान से के पास से अपनी राइडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिखता है अब रात को अपना पटना का मरीन ड्राइव। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और ये जो लाइट लगाया गया है, जो ये तीन रंग का जो लाइट है जो कि एक तिरंगे का प्रतीक है, इसको देख करके जो है और भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि अब ये जो लाइट है ये हर रोड पे लग रहा है, और पटना के मरीन ड्राइव पर ये लाइट जो है सभी जगह लगा हुआ है। और ये टोल प्लाजा है जो कि अभी शुरू नहीं किया गया है, इसे भी जल्द शुरू कर लिया जाएगा। जो दीदारगंज के पास थर्ड फेज है मरीन ड्राइव का, वो अब शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं कि यहाँ पे आपको कहीं पर भी जो अंधेरा अंधेरा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और जैसे ही थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं पूरे सड़कों पर जो है ये जो है तीन रंग का जो लाइट है ये जो है लगा दिया गया है, और काफ़ी खूबसूरत दिखता है रात को अपना पटना का मरीन ड्राइव। और इधर आपको जेपी गंगा पथ भी दिख रहा होगा, वहाँ पर भी ये लाइट लगा दिया गया है। अभी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ का भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए, अगर आप रात को पटना के मरीन ड्राइव पर चलते हैं तो आपको कहीं पर भी आपको जो है अंधेरा अंधेरा दिखाई नहीं पड़ेगा, हर जगह आपको उजाला ही उजाला आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं हमारे इस राइडिंग के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी सुंदर लग रहा है, हर रोड पे हर बीच पे इस तरह का जो है अब लाइट जो है लगा दिया गया है, और इस पर कैमरे भी अब बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर दिए गए हैं जिससे कोई समस्या नहीं होगा। और हम लोग पहुँच चुके हैं दीघा के पास में, और दीघा के पास हम देख सकते हैं किस तरह का दृश्य यहाँ का है, सीन है। और ये जेपी गंगा पथ, और जेपी गंगा पथ पर भी जो है इस तरह का लाइट जो है लगा दिया गया है, इसीलिए हम आज पहुँचे पटना के मरीन ड्राइव पर। और यहाँ पे आपको दिखाएं कि किस तरह का ये जो है पटना का मरीन ड्राइव आपको दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी सुंदर। आप सामने देख सकते हैं जेपी गंगा पथ है, और वहाँ पर भी जो है इस तरह का लाइट जो है वो लगा दिया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है पटना का मरीन ड्राइव जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गांधी मैदान से लेकर के हमने आपको जो है दीघा हम लोग पहुँच चुके हैं, हमने आपको पीछे दिखाया। और अब आप देख सकते हैं कि जो मरीन ड्राइव वो कितना बदल चुका है, और ये जो आप लाइट देख रहे हैं, जो ये तीन रंग का जो ये लाइट लगाया गया है, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी जो ये तीन रंग का जो ये लाइट लगाया गया है। और ये जेपी गंगा पथ आप देख सकते हैं ऊपर से, जो जिससे आप सीधे सोनपुर निकल जाएंगे उस पर भी इस तरह का लाइट का जो है व्यवस्था अब जो है कर दिया गया है। तो कहीं पर भी आप पटना में रात में घूमते हैं तो आपको अब जो है परेशानी नहीं है, और हर जगह आपको जो है रोड पे अब रोशनी देखने को आपको मिल जाएगा। हमने कहा व्यूज देख सकते हैं ये किस तरह का, ये आप सामने जो देख रहे हैं ये जेपी गंगा पथ है जिससे आप सीधे सोनपुर हाजीपुर जा सकते हैं, और ये आपका पटना का मरीन ड्राइव है। और मरीन ड्राइव कितना बदल चुका है हमने आपको दिखा दिया। तो कैसा लगा प्रशांत भैया इस रोड के बारे में बताइए, गाड़ी चलाकर कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलेंगे आपसे और किसी नए राइडिंग में और किसी नए सफर में, और आपको दिखाएंगे कि वहाँ की जो सड़कें और वहाँ का जो रोड है वो किस तरह का है। हमने इस रोड पे बहुत बार हमने जो है सुबह में सफ़र किया है, लेकिन रात में आज दिखाने का मौका मिला आप सभी को कि जेपी गंगा पथ पर या मरीन ड्राइव पर आप रात में आते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तब तक के लिए जय हिंद।